हेलो बच्चा पार्टी वेलकम बैक टू एम के जे क्लासेज एंड आई एम वंस अगेन योर बायोलॉजी एजुकेटर लेट स्टार्ट विद आर टॉपिक नाउ और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज मेगा और मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ने के लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि हमने अपने चैप्टर को डिवाइड किया था इनटू थ्री फेजेस प्री फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर हमें क्या पढ़नी है मेगास्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने कर ली है उसके बाद हमने मेल ली है पोलिनेशन बना बनाएंगे। बनाएंगे? से बनाएंगे उसके लिए भाई अपने स्टिग्मा को स्टाइल को ओवरी को रेडी तो कर ले है ना अपनी कार्पल को हम अब रिसेप्टिव बनाएंगे हमें रिसेप्टिव नहीं बनाना है मतलब वो स्ट्रक्चर हमें पढ़नी है तो लेट्स स्टार्ट विद दी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर टुडे और क्या होता है फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट इज कार्पल और इसी को हम और क्या बोलते हैं इट इज आल्सो नोन एज पिस्टिल तो घबराना नहीं है तो कार्पल क्या होती है सबको पता है फ्लावर में कार्पल के कितने पार्ट होते हैं इट इज कंपराइज़्ड ऑफ थ्री पार्ट्स अगर मैं कार्पल को ड्रा करूं तो दिस इज कार्पल ऊपर क्या होता है स्टिग्मा नीचे क्या होता है ये सिलेंड्रिकल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज स्टाइल और नीचे क्या प्रेजेंट है एक स्वॉलन स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं ओवरी और ये सारा का सारा सामान कहाँ पे रखा होता है ओन दी थैलेमस और थैलेमस के नीचे क्या होता है स्टॉक ऑफ द फ्लावर जिसको हम क्या बोलते हैं पेडिसल नहीं बोलते हैं पिडंकल आप मोरफोलॉजी में इलेवेंथ में पढ़ के आ चुके हो इन का स्टॉक इज नोन एज लेकिन अकेले का अगर हम स्टॉक की बात कर रहे हैं इट इज तभी तो फ्लार को बोलते हैं ना वेदर इट इज पेडिसलेट और क्या बोलोगे नॉन पेडिसलेट अभी ये स्ट्रक्चर्स को अब हम पहले लेबल कर लेते हैं ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टिग्मा किस लिए बनाया है नेचर ने इसे क्या पर्पज है ये ऐसे ग्लोबोस भी हो सकता है लोब लाइक भी हो सकता है बीफिड भी हो सकता है बाईफिड जैसे मैंने बनाया है ना अलग अलग वेरियसली शेप का हो सकता है तो वो शेप्स हमें यहाँ नहीं डिस्कस करना है स्टिग्मा का, का काम क्या होता है टू रिसीव पोलन अभी जो पोलन महाशय हमने बैठा रखे हैं ना रेडी करके तो उनको रिसीव करने का काम इन्हीं का ही है वेलकम करने के लिए पैलेस के गेट पे यही खड़े हैं क्यों हमें शादी करानी है भाई किसकी करवानी है मेल और फीमेल की मैरिज करवाएंगे और उस शादी में गेस्ट तो आएंगे अब मेन गेस्ट कौन है भाई यही तो है पोलन यही तो है बाराती जो किसको लेके आ रहे हैं दूल्हे को पोलन क्या है मेल गो फाइट इनके अंदर दूल्हा कौन बैठा हुआ है कौन है इस बारात में दूल्हा वो है मेल गैमीट जो कहाँ से बनेंगे जनरेटिव सेल से बनेंगे तो पैलेस के द्वार तक आ चुके हैं है ना आ गए हैं ना बैंकेट हॉल में तो यहाँ पे क्या होगा अभी वेलकम होगा किसका होगा बारातियों का पोलन का वेलकम होगा कौन करेगा स्टिग्मा करेगा कैसे करेगा वहां पे क्या प्रेजेंट क्या होंगे कुछ चीजों का एक्सचेंज ना? वो अब जब आगे चलेंगे तभी बात करेंगे उससे आगे ठीक है स्टिग्मा का काम खत्म बीच में अब ये क्या प्रेजेंट है हमारे पास इट इज नोन एज दाइल इसे हम क्या बोलते हैं स्टाइल स्टाइल क्या है एक तरह का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है अब ट्यूब लाइक कहने से आपकी खोपड़ी में हमेशा क्या घुसता है इट मस्ट बी होलो बट इट कैन बी होलो इट कैन बी सॉलिड तो ये होलो भी हो सकता है और ये सॉलिड भी हो सकता है स्ट्रक्चर और ये जो नीचे हमें मोटा सा स्वलन पोर्शन दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं इट इज नोन एज ओवेरी जिससे क्या बनता है फ्रूट बनेगा इट इज नोन एज ओवरी और ओवरी क्या है अंदर से क्या है आपको खाली दिखाई दे रही है है ना गलत बनाया मैंने खाली नहीं होती इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है देयर इज प्रेजेंट ओव्यूल ठीक है जी ये बना दिया अभी मैंने एक ही ओव्यूल बनाया है अभी इसकी बाकी कथा अभी कहानी हमें सुनानी है तब उसकी बात करेंगे और ये जहाँ पे लगा हुआ है इस पोर्शन को हम कहते हैं प्लेसेंटा तो ये जो अंदर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को हम दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ओव्यूल क्या करेगा भाई ये फ्यूचर में सीड बनाने का काम करेगा और क्या है ये जो ओव्यूल है ना इट इज दी जैसे हमारे वहाँ एंथर के अंदर क्या था एंथर की लोब को जब हमने काटा था देर वॉज प्रेजेंट माइक्रोस्पोरेंजियम जिसके अंदर माइक्रोस्पोर बना था ऐसे ही ये जो ओव्यूल है ना इट इज देंजियम इट इज मेगास्पोरेंजियम। क्या बनेगा मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर और मेगास्पोर की डेवलपमेंट से क्या बनेगा जैसे वहां माइक्रोस्पोर की डेवलपमेंट से क्या बना था मेल गमीटोफाइट यहाँ पे मेगास्पोर की डेवलपमेंट से क्या बनेगा फीमेल गाइट बिल्कुल पैरेलल चलेगी प्रोसेस वैसे ही होगा वहां मियोसिस हुई थी यहां भी मियोसिस होगी वहां माइटोसिस हुई थी यहां भी माइटोसिस होगी वही सीक्वेंस रहेगा और एंड में अभी अगर किसी बच्चे को नहीं भी लर्न हो रहा सुनते जाओ सुनते जाओ लास्ट में हम इस चैप्टर की क्या करेंगे समरी जितने भी ये इवेंट्स हम पढ़ रहे हैं इन सबको जोड़ के हमें क्या बनाएंगे लाइफ साइकिल जिसमें सब कुछ आपके सामने होगा आपको कुछ भी रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जस्ट गो थ्रू दैट साइकिल और पूरा चैप्टर आपका रिफ्रेश हो जाएगा ओके okay? चलिए अब अब यहाँ पे क्या है अब इसको हम क्या बोलते हैं कार्पल अब आपको पता है कार्पल किसी फ्लावर में एक भी हो सकती है मैनी भी हो सकती है अगर वन कार्पल प्रेजेंट है अगर वन कार्पल प्रेजेंट है इफ वन कार्पल तो उस फ्लार को हम क्या बोलेंगे इट इज नोन एज मोनो ये इलेवेंथ में हम करके आए हैं ना चलो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं अगर टू कार्पल्स प्रेजेंट होंगी तो उसको हम क्या कहेंगे बाय कार्पेलरी। सिमिलरली थ्री प्रेजेंट होंगे ट्राई कार्पेलरी। फोर होंगे टेट्रा तो उससे अच्छा मैं क्या लिख लेती हूँ वन टू हो गया सीधा हम आ जाते हैं मैनी पे मैनी होगा तो पोली भी लिख सकते हो और मल्टी भी एंड सेम थिंग तो घबराना नहीं है मल्टी लगाना है या पोली आपकी मर्जी है तो मल्टी कार्पेलरी ठीक है कितने कार्पल्स प्रेजेंट हैं अब ये तो हमने बता दिया लेकिन वो कार्पल फ्री है या फ्यूज्ड है हमने की ये कंडीशन भी पड़ी थी है ना तो कार्पल्स अगर फ्री है तो उसके लिए क्या टर्म यूज होती है हम उसे बोलते हैं एपो कार्पस, एपो एपो कार्पस और अगर कार्पस फ्यूज्ड है ये सब कुछ हम इलेवेंथ में मॉर्फोलॉजी के चैप्टर में पढ़ के आए हैं अगर फ्यूज्ड है तो उसको हम क्या बोलते हैं सिंह कार्पस बस मैंने तो थोड़ा सा रिफ्रेश कराया है और इनके एग्जांपल्स भी हमें सबको पता है सिनकार्पस का एग्जाम्पल क्या होता है हिबिस्कस होता है है ना एपोकार्पस का एग्जाम्पल क्या होता है माइकेलिया लिख दे चलो लिख लेते हैं इनके एग्जाम्पल क्या है माइकेलिया इसका एग्जाम्पल क्या होता है हिबिस्कस और बहुत सारे और भी लिखवाए हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं तो अभी यहाँ के लिए तो एक एक एग्जाम्पल बहुत है तो ये तो हो गई कार्पेल की बात इन दो पार्ट्स का हमें फंक्शन समझ में आ गया स्टिग्मा का, का काम क्या है पोलन को रिसीव रिसीव करेगा करने का मतलब तो भी तो भी कि बारात अपनी है कि नेक्स्ट वाले पैलेस की हमारे यहाँ रुक गई है तो वो पहचानने का जो काम होता है उसको हम बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कि ये जो पोलन आया है अपनी स्पीसीज का आया है ना इसको यहाँ पे जर्मिनेट होने देना है कि नहीं होने देना है या डिस्कार्ड करना है तो वो जो इंट्रोडक्शन होती है बारात की वो जो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होती है वो जो कंपेटेबिलिटी चेक होता है वो कहाँ पे होता है यहीं पे होता है स्टिग्मा के ऊपर तो स्टिग्मा का फंक्शन आ गया स्टाइल का, का काम क्या है ये सिर्फ क्या करती है जो यहाँ पे जब पोलन लैंड करेगा वो पोलन में से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी तो उस पोलन ट्यूब के के पाथ को डायरेक्ट करेगा बस ये कि किधर जाना है भाई आपको किधर जाना है है ना बहुत बड़ा एक रिजोर्ट हमने बुक कर लिया बारात दरवाजे पे है अब उन्हें पता ही नहीं किधर जाना है तो कुछ लोग गाइड करते हैं ना आइए आइए प्लीज आइए आइए वहाँ चलिए वहाँ पे है स्टेज तो वही काम कौन करेगा ये करेगा स्टाइल इसके अंदर अगर ये सॉलिड है तो क्या भरा होता है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू तो जब हम फर्टिलाइजेशन इवेंट करेंगे उस बात को हम वहाँ पे करेंगे तो मूव ऑन टू दी ओवरी अब ओवरी को भी क्या करना है ओवरी क्या है इट इज स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बता दिया फ्यूचर में जाके क्या बनाना है इसने फ्रूट बनाना है और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है ओव्यूल ये है हमारी काम की चीज जिसकी हम बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे अब नेक्स्ट ओव्यूल की अच्छा ये तो हमारे पास एनसीईआरटी का एक पिक्चर है जो हमारी एनसीईआरटी में दिखाया हुआ है किसका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का कार्पल का डाइसेक्टेड फ्लावर ऑफ हिबिस्कस शोइंग पिस्टल ये किसकी है हिबिस्कस की पिस्टिल हमें दिखाई है ये ऊपर क्या है स्टिग्मा दिस इज स्टाइल और ये क्या है ओवरी और ये आ गया थैलेमस ये तो सिर्फ हिबिस्कस का दिखाया है तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है हिबिस्कस में आपको कैसी है इट इज सिंह कार्पस ओवरी देखो ऊपर इतने सारे स्टिग्मा दिख रहे हैं पर नीचे से क्या है सारा का सारा फ्यूज है तो ये ओवरी कैसी हो जाएगी सिंह कार्पस नीचे से सब फ्यूज है कितने हैं इसमें देखो कितने सारे हैं क्या कार्पस की टिप्स जिनको हम स्टिग्मा बो, बोलते हैं देन है मल्टी कार्पेलरी, सिंग कार्पस पिस्टिल ऑफ पेपेवर ये ये क्या है मल्टी कार्पेलरी इसमें भी बहुत सारे कार्पल प्रेजेंट है एंड सिंग कार्पस ऑल आर फ्यूज्ड फ्यूज होके क्या बना दिया तो ये स्टिग्मा से थोड़ी बहुत पहचान हो जाती है कि कितने स्टिग्मा यहां है, उससे पता चल रहा है कि मैंने स्टिग्मा दिख रहे हैं लेकिन नीचे से स्ट्रक्चर एक ही बन रहा रहा है है इसका मतलब इसमें बहुत सारी कार्पल फ्यूज हुई है। जैसे यहां पे हमें पता चल रहा है। नेक्स्ट किसका मल्टी कार्पेलरी एपो कार्पस अब ये क्या है एपोकार्पस गायनोशियम ऑफ माइकेलिया मैंने एपोकार्पस में माइकेलिया का एग्जाम्पल लिखवाया है ना अभी तो उसी का उसमें सारी कार्पस डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट सेपरेट है फ्यूज नहीं है वो सेपरेटली प्रेजेंट है और डायग्रामेटिक व्यू ऑफ अ टिपिकल एनेट्रोप ओव्यूल ठीक है ये तो अब हमें पढ़ना ही है अब हम क्या पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल ओव्यूल ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ना है और पढ़ने का तरीका क्या है बायो में देखो मैं बहुत सारी इमेजेस बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे ऑलरेडी स्लाइड पर लेके आ सकती हूँ है ना आप देखते ही हो आज के टाइम में सब कुछ स्क्रीन के ऊपर है लेकिन बायोलॉजी को जब तक लिख लिख के नहीं पढ़ोगे वो आपको कभी लर्न नहीं होगी तो आई एम नॉट वेस्टिंग time. टाइम आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू लर्न कि आप साथ के साथ जब चीज़ों को आप लिखेंगे साथ में लिखते हुए देखेंगे सुनेंगे खुद लिखेंगे तो बायोलॉजी आ गई क्योंकि सब कहते हैं बायोलॉजी इज अ सब्जेक्ट ऑफ रट्टा बायो में कहीं रट्टे की जरूरत पड़ रही है आपको कहीं पे भी जरूरत नहीं है हाँ एक आध जगह लगाना पड़ता है वो है एग्जाम्पल लेकिन एग्जाम्पल को भी अगर हम कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ के लर्न कर लें तो कभी भी नहीं भूलेंगे हम लोग तो कॉन्सेप्ट है सब कुछ बायो में रट्टा कुछ भी नहीं है भाई कॉन्सेप्ट बनाओ चीजों को लिखो सीरियल वाइज वो आपको याद रहेगी किस सीरीज में किस सीक्वेंस में चीजें हो रही थी तो सारा कॉन्सेप्ट आपके हाथ में होगा इट चलो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ दी ओव्यूल फर्स्ट ओव्यूल की पहले एक पिक्चर हम बना लेते हैं उसके बाद फिर जो ओवर ओव्यूल ड्रॉ हुए हैं रेडीमेड पिक्चर्स उनकी हम बात करेंगे तो ये है बेटा मेरे पास ओवरी

ये बन गया ओव्यूल तो ये ओव्यूल हम कैसा बनाएंगे जैसा मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स के अंदर मिलता है दैट इज बायटैगमिक ओव्यूल अभी बताते हैं व्हाट डू यू मीन बाय दर्म बायटैग्मिक क्या होता है है ना तो ट्राई टू ड्रॉ इट योरसेल्फ ताकि आप लोग भी सीख पाए तो इसको सिर्फ हमें रट्टा नहीं लगाना है डायग्राम्स को हमें खुद से ड्रॉ करके इनको लर्न करना है सम मिस्टेक आई डिड ये लीजिए ये हमारा बन गया ओव्यूल कुछ गड़बड़ हुई क्या वन एंड टू ठीक है कुछ एक लाइन मेरी तरफ से ज़्यादा है इसको दोबारा कर लेते हैं यहाँ पे तो दिस इज इस... इसको हम बना लेते हैं बाई टेगमेंट दिस इज वन इंटेग्यूमेंट दिस इज द अनदर इंटेग्यूमेंट नाउ इट इज ओके ठीक है दिस इज ओव्यूल अब ओव्यूल के सेंटर में क्या भरा हुआ है ये 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 क्या ये तो देखो एक ओव्यूल है ओव्यूल के ये जो दो चीजें हैं ये मैंने क्या बनाई है दीज आर दूमेंट दी ये क्या है इन टैग्यूमेंट्स इंटेग्यूमेंट का मतलब समझते हो कवर है भाई ये कुछ भी नहीं है कवरिंग है छोटी छोटी इनको हम बोलते हैं इन टेग्यूमेंट कितने बनाए हैं मैंने इंटेग्यूमेंट टू बनाए हैं एक ये बनाया है आउटर वाला एक ये बनाया है इनर वाला जिसको मैंने आई से लिखा आउटर इंटेग्यूमेंट इंटेग्यूमेंट इनर दो हैं तो ये ओव्यूल कैसा होगा इट इज अ अगमिक ओव्यूल कैसा ओव्यूल है बायटैग्मिक अगर हमारे पास एक ही इंटेग्यूमेंट होगा वो ओव्यूल कैसा होगा यूनिटैगमिक अगर हमारे पास थ्री होंगे तो क्या होगा ट्राई टेगमिक और एक भी नहीं होगा तो ए टैगमिक तो यहां पे तो कैसा प्रेजेंट है टैगमिक में यहां पे लिख देती हूं कैसे कैसे हो सकते हैं ओव्यूल में भी ए टैग्मिक है ना ए टैगमिक का मतलब क्या होता है विदाउट एनी इंटेग्यूमेंट कोई भी इंटेग्यूमेंट एक भी सिंगल भी नहीं प्रेजेंट होगा ओनली वन इंटेग्यूमेंट टू का मैंने इधर लिख ही दिया है दैट इज बाइटेगमिकलो इंटेग्यूमेंट के बारे में हमें पता चला ये स्ट्रक्चर क्या है इसको भी हम लोग लेबल कर लेते हैं दिस इज प्लेसेंटा ये क्या है ये क्या है दिस इज ओवरीवॉल ओवरीवॉल के साथ प्लेसेंटा और प्लेसेंटा की हेल्प से अटैच हुआ है ये ओव्यूल ओवरी वॉल के साथ नीचे वही हमारे पास क्या प्रेजेंट है थैलेमस और थैलेमस के नीचे क्या प्रेजेंट है स्टॉक दी पेडिसल और ऊपर के स्ट्रक्चर्स तो हम बना ही नहीं रहे अब इन इंटेग्यूमेंट्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है इन इंटेग्यूमेंट्स के अंदर पड़ा हुआ है हमारे पास न्यू ये सारा का सारा क्या पड़ा हुआ है इसके अंदर भरा हुआ येलो कलर का इट इज ऑल न्यू ये सारा तो इसको अब हम क्या करते हैं इसको कर लेते हैं हम लोग कलर तो ये सारा पड़ा है मेरे पास न्यू सेल्स कर लीजिए इसको लेबल करो न्यू सेल्स को और उसके साथ लिखिए इट इज दी न्यूट्रिटिव टिश्यू व्हाट इज दिस सेल्स का क्या सिग्निफिकेंस है इट इज दी न्यूट्रिटिव टिश्यू किसको न्यूट्रिशन देना है न्यूसेलस को अब वहाँ पे तो क्या प्रेजेंट थी टेपीटम प्रेजेंट थी ना भाई माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए कौन प्रेजेंट थी टेपिटम प्रेजेंट थी अब यहाँ पे टेपीटम तो है नहीं तो जब माइ मैगापोरोजेनेसिस होगा सेल्स को क्या चाहिए डिवाइड होने के लिए नरिशमेंट चाहिए न्यूट्रिशन चाहिए उस टाइम पे उसको रेडी होना है क्योंकि डिवाइड करने के लिए तो वो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा दैट न्यूट्रिशन विल बी प्रोवाइडेड बाय न्यू सेल्स व्हाट इट ठीक है तो इसको अब हम लेबल कर लेते हैं ये बीच में येलो कलर का हमने क्या भरा है इट इज न्यू न्यूसेलस क्या है इट इज दी न्यूट्रिटिव टिश्यू क्या प्रोवाइड करेगा नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा टू दी डेवलपिंग मेगास्पोर को और मेगास्पोर से फिर क्या बनेगा फीमेल गैमिटोफाइट बनेगा उसको भी बनाने के लिए क्या चाहिए न्यूट्रिशन अभी न्यू सेलस के बारे में भी कुछ पॉइंट आपको बताने हैं वो क्या बताने हैं अगर न्यू सेलस कई बार क्या होता है इस न्यू सेलस के अंदर ही मैंने क्या कहा अभी क्या बनना है बीच में यहाँ पे क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा हमारे पास एम्ब्रियोसैक यहाँ बीच में यहाँ पे इसको भी मैं लेबल कर रही हूं ये लेटर ऑन बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा बीच में एम्ब्रियो सैक और सैक क्या है इट इज दीमेल फीमेल फाइट क्या होता है सैक इट इज दी फीमेल गैमीटो फाइट और गैमिटोफाइट है कोई भी गैमिटोफिटिक जनरेशन हो हम सारा इलेवेंथ में पढ़ के आए हैं कोई भी गेमिटोफिटिक फेज हो लाइफ साइकिल का वो हमेशा कैसा होता है इसका मतलब ये बाकी सभी क्या है इंटेग्यूमेंट डिप्लॉयड है न्यूसेल डिप्लॉयड है एम्ब्रियोसैक डिप्लोइड है प्लेसेंटा डिप्लॉयड है ओवरी की वॉल डिप्लॉयड है सब कुछ क्या है अभी तक डिप्लॉय डिप्लॉय डिप्लोइड ये पहला क्या है ये भी लेटर ऑन मैं बताऊंगी कैसे बनेगा लेकिन क्योंकि यहाँ ओव्यूल का डायग्राम करना है तो हमें एक बार तो इसको समझना पड़ेगा तो ये जो अभी न्यूसेलस की बात चल रही थी न्यूसेलस कई बार क्या होता है जब फीमेल गेमिटोफाइट की डिवेलपमेंट हो रही होती है ना न्यूसेलस सारा का सारा कंज्यूम हो जाता है अगर न्यूसेलस कंज्यूम हो रहा है इन दी फर्दर डेवलपमेंट तो उसको हम क्या बोलते हैं टेन्यू न्यूसेलेट और अगर वो बचता है तो उसको हम क्या बोलते हैं क्रेसी न्यूसलेट लिख लीजिए यहां पे दो टर्म क्रेसी न्यूसलेट और दूसरी टर्म होती है चैन्यू न्यूसलेट ठीक है तो C4 क्रेसी सी कंप्लीट तो क्रेसी न्यूसलेट का मतलब क्या है न्यू लस परसिस्टेंट परसिस्टेंट का मतलब समझ रहे न्यू न्यूसेलस प्रेजेंट रहेगा एंड तक और यहां पे क्या है न्यू न्यूसेलस कंज्यूम्ड या यू कैन से बहुत ही कम अमाउंट ऑफ न्यू न्यूसेलस है तो टेनी न्यूसेलेट और बहुत ज्यादा अमाउंट अगर बच गया है इट इज क्रेसी न्यूसेलेट तो ये टर्मिनोलॉजी हमें याद भी करनी है इसको लिख लिख के खुश नहीं होना है इन चीजों को हमें लर्न भी करना है कई बार इन्हीं के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है गोट इट तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक ओवरी वॉल उसके अंदर प्लेसेंटा से अटैच होके कौन पड़ा हुआ ओव्यूल ओव्यूल की हमने क्या पढ़े हैं दो इंटेग्यूमेंट तो एनजीओस का जो ओव्यूल होता है इट इज बाइटेगमिक

माइक्रोपाइल ये जो पोर प्रेजेंट है ओव्यूल के अंदर इट इज माइक्रोपाइल इसीलिए इस वाले एंड को हम क्या बोलते हैं इट इज नोन एज माइक्रोपाइलर एंड इट इज डिनोटेड बाय एम और इसके जो बिल्कुल ओपोजिट वाला जो हिस्सा होगा ऑलवेज माइक्रोपाइल के जो ओपोजिट हिस्सा होगा ओव्यूल का दैट इज नोन एज चेलाजा इसको हम क्या लेबल कर लेंगे चेलाजा और इसको हम क्या बोलते हैं इट इज नोन एज एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी और एक चीज मैं यहाँ लेबल करना स्टार्टिंग में भूल गई दैट इज दिस स्टॉक स्टॉक ऑफ द ओव्यूल ये पूरा ओव्यूल ओवरी वोल से इस स्टॉक के थ्रू लगा हुआ है दिस स्टॉक ऑफ द ओव्यूल इज नोन एज फ्यूनिक्यूलस फ्यूनी तो वॉट इज फ्यूनिक्यूलस इसको नीचे लिख लीजिए स्टॉक ऑफ द ओव्यूल और ये जो स्टॉक है ओव्यूल से देखो अब इसको डिफरेंट कलर से थोड़ा सा दिखा देते हैं ये जो स्टॉक है ओव्यूल का यहाँ पे ये देखो ओव्यूल से यहाँ पे आके जुड़ रहा है ना ये इस पॉइंट पे आके जुड़ रहा है यहाँ पे ये इतना स्टॉक है यहाँ से ओव्यूल स्टार्ट हो गया तो ये वाली जो जगह है ये जो अटैचमेंट पॉइंट है इस अटैचमेंट पॉइंट को किसके डी के ऊपर इस डंडी के ऊपर यहाँ ओव्यूल लगा हुआ है तो कहीं इस पॉइंट पे अटैच है ना ये इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे ये अटैचमेंट ये पॉइंट हो गया ना इस अटैचमेंट पॉइंट को किसका अटैचमेंट पॉइंट है फ्यूनिक्यूलस का और ओव्यूल की बॉडी का इसको हम बोलते हैं हाइलम इट इज नोन एज इट इज नोन एज हाइलम तो हाइलम क्या है इट्स अ काइंड ऑफ स्कार सॉरी कार की फॉर्म में ये जब सीड मेच्योर होता है वहां पे भी प्रेजेंट होता है राजमा के सीड देखिए सोयाबीन देखिए लोबिया देखिए उनमें जो काले 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 काले, काले दाने हमें दिखा वो जो काले काले से मतलब अः या से नजर आते हैं वो इसी के ही हाइलम के होते हैं रेफी के होते हैं तो वो अभी उतनी डिटेल में नहीं जाना बस हमें इतना पढ़ना है कि उसको हाइलम बोलते हैं ठीक है ये तो हो गया हमारे पास ओव्यूल का स्ट्रक्चर अब ये ओव्यूल लगे किसके ऊपर होते हैं प्लेसेंटा के ऊपर किस अरेंजमेंट में लगे होते हैं उस प्लेसेंट उसे हम क्या बोलते हैं उस अरेंजमेंट को दैट इज नोन एज प्लेसेंटेशन पैटर्न जो हमने मोर्फोलॉजी के चैप्टर में इलेवेंथ के अंदर कर लिया बेसल प्लेसेंटेशन एक्साइल प्लेसेंटेशन पेराइटल प्लेसेंटेशन पढ़ी थी ना ये सारी हाँ बस वही है ये ओव्यूल अभी ये जो ओव्यूल है अच्छा इसका जो स्टॉक है फ्यूनिकुलस इसको हम डिनोट करते हैं एफ से ये मैंने कैसा ओव्यूल बनाया है इस ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं इट इज नोन एज ओव्यूल कौन सा ओव्यूल बनाया है मैंने किसकी पिक्चर बनाई है ये बनाई है मैंने एनाट्रोपस ओव्यूल की अभी बताती हूँ एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है क्योंकि इट इज मोस्ट कॉमन इन एनजीओ most common in angiosperms ठीक है मैम मोस्ट कॉमन है इसका मतलब क्या है इसके अलावा और भी तरह के ओव्यूल्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स के अंदर प्रेजेंट यस होते हैं तो वो टाइप्स ऑफ ओव्यूल के लिए हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे ये देखिए ये हैं हमारे पास टाइप ऑफ ओव ओव्यूल्स अब जो सबसे पहला है इसको हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस एज इट्स नेम यहाँ पे लिखा हुआ है नेम इज रिटन हियर ओर्थोट्रोपस इट इज मोस्ट प्रीमिटिव टाइप ये क्या है मोस्ट टाइप। देखो ये पॉलीगोनम जहां भी आता है पॉलीगोनम टाइप पॉलीगोनम में मिलेगा ऐसा आपको साइकस में देखने को मिलेगा ऐसा हमें तो इसको हम क्या बोलते हैं ओर्थोट्रोपस कैसे पहचानोगे ओर्थोट्रोपस इट इज ऑलवेज अपराइट अपराइट कैसे देखिए किसके रिस्पेक्ट में अब यहां पे ना थोड़ा सा दिमाग लगाना है कैसे लगाना है हमने फ्यूनिकुलस लेके चलना है। फ्यूनिकुलस क्या थी स्टॉक ऑफ ओव्यूल तो अगर स्टॉक ऑफ ओव्यूल के यहां पे क्या है ये है ना स्टॉक ऑफ ओव्यूल दिस इज फ्यूनिक्यूलस ये एंड कौन सा हो गया माइक्रोपाइल और ये एंड कौन सा हो गया चेलाजा और माइक्रोपाइल एक ही लाइन के अंदर है। मतलब ऐसे उव्यूल, सीधा उव्यूल है। इसके उपर, उसके नीचे ओपोजिट क्या चलाजा और तो इस तरह को हम कहते हैं उसके बाद नेक्स्ट मूव कीजिए एनाट्रोपस एनाट्रोपस क्या है ये मोस्ट इन मोस्ट एंजियोस्पर्म्स कहां पे मिलेगा इन मोस्ट एंजियोस्पर्म्स तो मैंने मोस्ट एनजीओस लिख दिया मैक्सिमम एनजीओस पंप के अंदर हमें एनाट्रोपस देखने को मिलेगा एनाट्रोपस क्या होता है देखिए दिस इज फ्यूनिकुलस दिस इज माइक्रोपाइलेंड एंड इसके ओपोजिट क्या हो गया चलाजा एंड फ्यूनिकुलस माइक्रोपाइल और चलाजा एक लाइन के अंदर ऐसे प्रेजेंट है और वो लाइन जो है फ्यूनिकुलस के 180 डिग्री पे है यहां पे तो क्या था फ्यूनिकुलस चलाजा माइक्रोपाइल सब एक ही लाइन में थे एक ही लाइन में प्रेजेंट थे ओव्यूल कैसा था ऑर्थोट्रोपस अब क्या हो गया ये जो माइक्रोपाइल है ये वन एटी डिग्री के एंगल पे इधर आ गई समझ रहे हो ये देखो यहाँ पे ये फ्यूनिक्युलस है ये माइक्रोपाइल ऐसा था यह माइक्रोपाइल पूरा वन एटी डिग्री का एंगल इसने लिया और ये माइक्रोपाइल कहाँ आ गई ऐसे नीचे तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल प्रेजेंट है फ्यूनिक्यूलस और माइक्रोपाइल की एक्सिस में 180 डिग्री का तो ऐसे ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं एनाट्रोपस एंड इट इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ दी एंजियोस्पर्म्स उसके बाद आ जाइए हैमी एनाट्रोपस हैमी हैमी का मतलब क्या होता है आधा कि ये एनाट्रोपस है लेकिन आधा एनाट्रोपस है एनाट्रोपस क्या होता है 180 डिग्री उसका आधा क्या हो जाएगा 90 डिग्री तो हैमी एनाट्रोपस क्या हो गया जहां पे फ्यूनिक्युलस में और माइक्रो माइक्रोपाइलोर चलाजा एंड की जो एक्सीज है देखो ये इनकी एक्सीज है ये फ्यूनिक्यूलस की इसमें कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल तो 180 का आधा क्या हो गया 90 डिग्री हो गया ना तो इट इज एनाट्रोपस कहाँ पे मिलेगा रेनेक्यूलस में एक एक एग्जाम्पल मैंने नीचे लिखा हुआ है उसके बाद आ जाइए कैम पाइलोट्रोपस वैसे तो आप इसको पहचान सकते हो किससे इट इज बेल शेप्ड बेल की तरह नीचे वाला पोर्शन लग रहा है ना घंटी जैसा तो कैम्पाइलोट्रोपस को हम और क्या बोलते हैं कैम्पाइलोट्रोपस इज ऑल्सो नोन एस... इससे आप इसको याद रख सकते हो और अगर हम यहाँ पे एंगल्स की बात करें तो क्या करें है ये हैमी एनाट्रोपस है सिर्फ इसका जो माइक्रोपाइल वाला एंड था ना गुस्सा हो गया इसने अपने होंठ लटका लिए है ना हम भी ऐसे ऐसे करके बैठते हैं जब गुस्सा होते हैं तो इसने अपना मुंह जो है लटका के बैठ गया गुस्सा होके और ये क्या बन गया बेल शेप कैंपाइल एक्सिस क्या है ये देखो यहाँ पे चेलाजा है ये माईक्रो, ये माइक्रो ऐसे सीधी थी बस ये ऐसे हो गई है ये है फ्यूनिक्यूलस ये कहाँ पे मिलेगा क्रूसी में मिलेगा क्रूसी के अलावा ये लेग्यूमिनोसी में भी मिलता है और कहाँ पे मिलेगा किधर लिखें इसको ये मिलेगा लेग्यूमिनोसी फैमिली में भी हमें देखने को मिलता है कैम्पाइलोट्रोपस ओबियूल उसके बाद है एमफीट्रोपस एमफी होता है बोथ अब इसको कैसे पहचानोगे एमफीट्रोपस को क्योंकि अब आपको परेशानी आएगी मैम इसमें इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है डिफरेंस कैसे पहचानेंगे एमफीट्रोपस का सबसे पेक्युलियर फीचर पता है क्या होता है यहां पे लिख देते हैं एमफीट्रोपस ओव्यूल का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिससे आप इसको पहचान सकते हैं इसका ये जो बीच का न्यूसेलर रीजन होता है वैसे ये न्यूसेलस ही बनाया है हाँ। या फीमेल के मीटोफाइट या जो न्यूसेलस रीजन है ये कैसा होगा हॉर्स <coughs> सॉरी शू शेप लग रहा है ना हॉर्स शू की तरह और शू बनाते हो ना ऐसा ही बनाते हैं तो शू शेप्ड होता है इससे आप इसको एम्फी को पहचान सकते हो एग्जाम्पल मैंने लिखा है एलिस्मा एंड पॉपी है ना पेपेवर फेरम उसके अलावा हमारे पास आ गया सर सीनोट्रॉपस वेरी इजी टू आइडेंटिफाई है ना और वो आइडेंटिफिकेशन फीचर आपको अभी तक दिख भी गया होगा सर सीनोट्रॉपस के अंदर क्या होता है इट इज कोल्ड लाइक अ वॉच स्प्रिंग इनकी पहचान में यहाँ पे लिखती जा रही हूँ लाइक like क्या चीज जो फ्यूनिकुलस थी वो देखो ऐसे 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 घूमी है और उसके अंदर ये थी फ्यूनिकुलस ऐसा राउंड मार गई और उसके अंदर क्या बैठा हुआ अंदर ओव्यूल और ओव्यूल का ये क्या है माइक्रोपाइल है ये चैलाजा है ये क्या है फ्यूनिकुलस तो फ्यूनिकुलस कहाँ पे प्रेजेंट है इस तरह से इट इज कोइल्ड लाइक वॉच स्प्रिंग स्प्रिंग की तरह कोल्ड है, है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा हमें ओपनशिया ओपनशिया क्या होता है इट इज कैक्टस तो ये है हमारे पास क्या टाइप ऑफ ओव्यूल तो इतने टाइप के ओव्यूल मिलते हैं लेकिन मैंने अपने डायग्राम के अंदर ये बनाया है क्यों बनाया है क्योंकि इन मोस्ट ऑफ दी एनजीओ हमें यही ओव्यूल देखने को मिलता है और हमारी एनसीईआरटी ने सिर्फ क्या किया हमारी एनसीईआरटी ने भी ड्रॉ किया हुआ है ओव्यूल को आई थिंक आई हैव पिक्चर हाँ यस आई हैव दिस पिक्चर ऑफ दी ओव्यूल इन्होंने क्या किया मैंने ओव्यूल को ऐसे ड्रॉ किया है इन्होंने उसी को क्या कर दिया है ऐसे उल्टा बस और कुछ भी नहीं किया देखो मेरे वाला ओव्यूल और ये सेम ही है ना मैंने क्या बनाया है ये फ्यूनिक्यूलस है फ्यूनिक्यूलस से ओव्यूल ऐसे लटका हुआ है ऐसे लटका हुआ है ना इन्होंने क्या किया इसको ऐसे बना दिया है तो ओव्यूल का जो माइक्रोपाइल है मेरी माइक्रोपाइल नीचे है फ्यूनिक्यूलस ये है दोनों के बीच में क्या है मतलब ये फ्यूनिकुलस के एक्सीज हैं ये माइक्रोपाइल और चेलाजा के एक्सीज है माइक्रोपाइल और चेलाजा का एक्सीज ये हो गया फ्यूनिकुलस का एक्सीज ये हो गया तो दोनों में एंगल कितना है वन डिग्री वन एटी डिग्री का बताया था ना चलो ये भी पहचान में पहले लिख देती हूँ ताकि जब आपको पहचानना पड़े तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं हो जाए हैमी एनाट्रोपस हैमी एनाट्रोपस इसकी पहचान क्या होती है जो एंगल होगा 90 डिग्री एंगल होगा किसकी एक्सिस में फ्यूनिक्यूलस की और चलाजा माइक्रोपाइलर एक्सिस वो मैंने बना रखी एक एक है चलाजा माइक्रोपाइल एक एक्सिस है फ्यूनिक्यूल एंगल कितने का है 90 डिग्री का ये कौन सा है एनाट्रोपस एनाट्रोपस ओव्यूल एना क्या होगा वन डिग्री का एंगल प्रेजेंट होगा फ्यूनिक्यूलस की एक्सिस में और जो माइक्रोपाइल और चलाजा की एक्सिस है उसके अलावा हमारे पास क्या है ओर्थोट्रोपस ओर्थोट्रोपस ओव्यूल में क्या होगा बेटा हमारे पास ये होगा ऑलवेज अपराइट अपराइट का मतलब फ्यूनिक्यूलस माइक्रोपाइल एंड चलाजा वन लाइन में होंगे प्रेजेंट ऑन वन लाइन ऐसे प्रेजेंट होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं दैट इज नोन एज ओर्थोट्रोपस ओव्यूल ठीक है ovule. तो टाइप ऑफ ओव्यूल हमने पढ़ ली और मैंने ये वाला बनाया है एनसीईआरटी ने इसी को उल्टा कर दिया है ये देखो ये उल्टा किया हुआ है ये क्या प्रेजेंट है हमारे पास फ्यूनिक्यूलस ये प्रेजेंट है माइक्रोपाइल ये प्रेजेंट है चेलाजा तो माइक्रोपाइल ये फ्यूनिक्यूलस का एक्सिस है ये चलाजा माइक्रोपाइल का एक्सिस है दोनों में एंगल कितने डिग्री का है 180 डिग्री का तो कौन सा ओव्यूल है ये इट इज ये देखो लिखा भी होगा एनाट्रोपस ओव्यूल बिकॉज इट इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म एंड यू आर डीलिंग विद व्हाट किसके साथ डील कर रहे हो क्या पढ़ रहे हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लॉरिंग प्लांट्स मतलब यू आर डीलिंग विद तो का ही जो common, hit, जो मोस्ट कॉमन ओव्यूल है हम सिर्फ उसकी बात करेंगे देखो पार्ट्स भी देख लीजिए हाइलम हाइलम मैंने बता दिया पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहां पे जो ये फ्यूनिक्यूलस है ये अटैच हो रहा है किसके साथ ओव्यूल के साथ फ्यूनिकल क्या है दिस स्टॉक माइक्रोपाइल क्या है ये हिस्सा जहाँ पे इंटेग्यूमेंट एबसेंट है माइक्रोपाइलर पोल इस इस जहां पे इस वाले हिस्से को हम माइक्रोपाइलर पोल बोलते हैं फिर आ गया आउटर इंटेग्यूमेंट ये आ गया इनर इंटेग्यूमेंट इसका मतलब क्या हुआ हमारा जो ओव्यूल है वो कैसा है बाइटैगमिक मैं बता चुकी हूँ ना ऑलरेडी टू इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है आउटर इनर उसके बाद है न्यूसेलस न्यूसेलस क्या है हमारे पास इट इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू और उसके बाद क्या प्रेजेंट है बीच में सैक जाता सैक के अंदर क्या है वो क्या बनाएगा फीमेल गैमिटोफाइट मैंने क्या लेबल कर दिया जल्दी जल्दी में अच्छा ओव्यूल है मेगास्पोरेंजियम है और मैंने क्या लेबल किया मुझसे कोई मिस्टेक हुई है हाँ सैक इज दी फीमेल गैमिटोफाइट ठीक है और ये आ गया हमारे पास चेलाजल पोल तो क्या हमने अपने यही वाला डायग्राम बनाया है ओव्यूल का हम लोगों ने भी बस हमने इसको तरीके से ओवरी में बिठा के दिखाया है इन्होंने ओवरी को यहाँ से काटा निकाला डायरेक्शन से और उसको ऐसे उल्टा करके दिखा दिया तो और कोई डिफरेंस नहीं है मैंने कोई और ओव्यूल नहीं बनाया है या एनसीईआरटी ने कोई और ओव्यूल नहीं बनाया है तो ओव्यूल किसी भी डायरेक्शन में पड़ा हो आपको कैसे पहचानना है अब एनसीईआरटी ने क्या किया इसको उठा के ऐसे उल्टा कर दिया ठीक है मैं उल्टा नहीं करती मैं इसको उठाती हूँ और ऐसे लेटा देती हूँ आपको तब भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए किससे करोगे फ्यूनिकुलस का एक्सिस देखो चलाजा और माइक्रोपाइल का एक्सिस देखो उससे आपको समझ में आ जाएगा अगर एंगल एक ही लाइन पे तीनों प्रेजेंट है अपराइट ऑर्थोट्रोपस अगर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है फ्यूनिकुलस इधर जा रही है माइक्रोपाइल नीचे आ रही माइक्रोपाइल ऊपर होनी चाहिए थी पर वो कहाँ है फ्यूनिकुलस के अगेंस्ट है 180 का एंगल एनाट्रोपस है फिर हैमी एनाट्रोपस केम्पाइलोट्रोपस और वो जो एक और हमारे पास कौन पहुंचाया था एम्फीट्रोपस एंडस तो सब टाइप के हमें ओव्यूल्स याद रखने हैं अब नेक्स्ट हम लोग क्या चलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस एंड व्हाट इज द साइट ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। वो बताएंगे सबसे पहले वील ट्राई टू डिफाइन दिस टर्म क्या होती है मेगास्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरो कहाँ कहां से आया है मेगास्पोर से जेनेसिस का मीनिंग क्या होता है फॉर्मेशन तो क्या है कैसे डिफाइन करोगे इसको इट इज दी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स और कैसे होंगे वो मेगास्पोर्स पहले ही लिख लेना हैप्लोइड मेगास्पोर्स फ्रोम प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर हेप्लॉयड मेगा स्पोर फ्रॉम डिप्लॉयड मैगास्पोर मदर सेल्स कैसी है मैगापोर मदर सेल डिप्लॉयड बाई मींस ऑफ मियोसिसंस्टिट्यूशन होगी यहाँ पे भाई इसको जरूर आप मार्क कर लीजिए कौन सी डिवीजन होंगी यहाँ पे हमारे पास मियोसिस तो मियोसिस से बनती है हमारे वहां पे भी तो माइक्रोस्पोर ऐसे ही बना था कहाँ बना था चलो पहले मैं उसको रिवाइज कराती फिर पे आएंगे हमारे पास एंथरलोप थी दिस वॉज एंथरलोप है ना इसके अंदर क्या पड़ा हुआ था माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या पड़ी हुई थी स्पोरोजिनस सेल्स ये स्पोरोजिनस सेल्स को टेपीटम ने दिया न्यूट्रिशन ये मोटी मोटी हो गई स्पेशलाइज हो गई कि भैया अब हम कुछ कर सकते हैं अभी तो हमारे पड़े थे दबे पड़े थे टेपीटम से न्यूट्रिशन जाते ही हरकत में आ गए हट्टे कट्टे हो गए हैं वी आर रेडी टू डिवाइड तो जब ये रेडी टू डिवाइड है मोटी हो गई उस वक्त इनको स्पोरोजिनस सेल नहीं बोलते स्पोरोजिनस टिश्यू नहीं बोलते क्या बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल या एक और नेम लिखवाया था क्या पोलन मदर सेल रेडी हो गई ठीक है रेडी हो गई चलो भाई करो फिर डिवीजन क्या करना है मियोसिस करनी है तो यहाँ पे ये जो सेल थी डिप्लोइड थी कौन थी पोलन मदर सेल इनके अंदर क्या हुआ मियोसिस हुई और मियोसिस से क्या बन गए फोर माइक्रोस्पोर क्या बन गए फोर हैपेलोइड माइक्रोस्पोर्स बने है. अभी सेम ऐसा ही यहां होगा यहाँ पे भी डिप्लॉयड मदर सेल्स बनेंगी उन डिप्लॉयड से बनेंगी नहीं वो प्रेजेंट है वो उनकी मियोसिस होगी और उनसे क्या बनेंगे यहाँ पे जैसे फोर हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर बने हमारे यहाँ फोर हैप्लॉयड मेगास्पोर बनेंगे उसके साथ हमारी ये प्रोसेस खत्म हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस चलो चलते हैं तो ऐसे ही हम कंपैरेटिव पढ़ते चलेंगे दोनों की दोनों प्रोसेसेस को ताकि कहीं पे भी होच पोच या कोई परेशानी हमें ना हो अब कैसे होगा अब मैं बना लेती हूँ दोबारा से हमें ओव्यूल ड्रॉ करना है तो ओव्यूल का हम क्या करेंगे सारा ओव्यूल नहीं ड्रॉ करेंगे सिर्फ बीच का हम हिस्सा ड्रॉ कर लेते हैं तो मैंने क्या ड्रो किया? मैंने क्या ड्रॉ ड्रॉ किया किया पे न्यू न्यू सेलस सेलस का ये माइक्रो पाइलर एंड है और ये है चलाजल एंड ठीक है मैं पूरा ओव्यूल नहीं बना रही हूँ यहाँ पे तो ये माइक्रो पाइलर एंड है वो चलाजल एंड है आप इसको चाहो तो आप इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हो एक काम करते हैं अभी मेरे कुछ प्यारे भोले बच्चे अभी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये किधर से आ गया तो एक ओव्यूल बना लेते हैं बाकी रेफरेंस में हम लोग चलते रहेंगे तो ये है मेरे पास एक ओव्यूल तो दो हमने इंटेग्यूमेंट बना लिए हैं अब देखो ओव्यूल तो यहीं पे बनाना सीख गए होंगे दो तीन बार हमारा ओव्यूल ड्रॉ हो चुका है और बीच में क्या पड़ा हुआ है मेरे पास न्यूसेलस ये सारा का सारा क्या है न्यू न्यूसेल का ये है माइक्रोपाइलर एंड और ये है अब अब देखो कैसे स्टार्ट करनी है ध्यान रखना है वहां पे तो सारी सेल माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट थी कोई बात नहीं सारी की सारी स्पेशलाइज हुई और मदर सेल बन गई यहां पे क्या होगा वन सेल टूवर्ड दाइक्रोपाइलर एंड बिकम स्पेशलाइज एंड विल स्टार्ट एक्टिंग एज मेगास्पोर मदर सेल क्या डिफरेंस आया पहला डिफरेंस क्या आया वहां पे पूरे के पूरे माइक्रोस्पोरेंजियम में जितने सेल थे ऑल ओवर एक्टिंग एजा माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल यहां पे क्या है ओनली वन सेल विच इज प्रेजेंट टूवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड स्टार्ट टू बिहेव एज क्या मेगा स्पोर मदर सेल और हमारे बच्चे यही चीजें छोटी छोटी भूल जाते हैं सीधा क्या कहेंगे न्यू सेलर्स का सेल मेगा फोर मदर सेल बन गया अरे भैया कौन सा उसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है नीट में ये पता है न्यू का सेल बनेगा पर कौन सा बनेगा वो नहीं पता तो बस कॉन्सेप्ट हमारा यहीं पे मिस हो गया तो इस मेगा स्पोर मदर सेल को मैं क्या लिख सकती हूँ इट इज ऑल्सो नोन एज एम अच्छा वहां पे भी आप क्या लिखते हो माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल को भी आप MMC लिख सकते हो अगर की जगह आप एमएमसी लिख रहे हो तो यहाँ में ईच सारा सारा पूरा पूरा तो एंड एवरी सेल डिड होगी तो ये मेगा स्पोर मदर सेल कैसी होंगी डिप्लॉयड तो ठीक है ये बहुत सारी सेल यहाँ पे पड़ी है चलो मैं सेल्स भी ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको एक्चुअल प्रोसेस आपके माइंड में रहे कि क्या हो रहा होगा कैसे हो रहा होगा ये है हमारे पास बहुत सारे सेल्स सेल्स है है ना न्यू किस चीज का का बना हुआ है, का, तो एंड की तरफ ये वाला जो सेल था ये वाला सेल इट विल नाउ स्टार्ट टू बिहेव एज क्या मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव कर रहा है कैसी है क्या प्लोइडी है इसकी टू क्या होगा अब नेक्स्ट स्टेप में अब ये मेगास्पोर मदर सेल जो है इट विल अंडरगो वन मियोटिक डिवीज़न क्या होगा यहाँ पे मियोसिस और मियोसिस से हमें पता है एक सेल का जब मियोसिस होता है उससे क्या बनेगा प्लोइडी में चेंज आता है ना मियोसिस में एक डिप्लोइड सेल से क्या बन जाएंगी फोर हैप्लोइड सेल्स तो अब हमारा स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा ये था न्यू सैलर्स. है ना न्यू सेलस हम बना रहे थे व्हाइट कलर से तो हम वाइट से ही बना लेते हैं तो ये है मेरे पास न्यूसेलस और न्यूसेलस का ये जो एक सेल था ये डिवाइड किया और इसने क्या बना दिए फोर सेल्स मैं पिक्चर को थोड़ा बड़ा करके दिखा रही हूँ ये लीजिए ये माइक्रो पाइलर एंड था ये गया एंड था और जितने ये माइक्रो मे, सॉरी मेगास्पोर बने हैं ऑल आर हैप्लोइड ये अकेला सेल क्या था डिप्लोइड क्यों है हेप्लोइड क्योंकि क्या हुई है मियोसिस और मियोसिस से क्या बन गए राइट डाउन फोर हैप्लोइड मेगा क्या प्लोइडी है सबकी एन है तो एक तरह से मेगास्पोरोजेनेसिस हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई मेगास्पोर बना लिए वहां पे माइक्रोस्पोर कैसे बन रहे थे मियोसिस से यहाँ पे भी मेगास्पोर कैसे बन रहे हैं मियोसिस से कुछ भी नहीं बस इसमें सिर्फ एक क्या ट्विस्ट आ जाता है अब वहां पे जितने भी माइक्रोस्पोर थे वो टेट्राड में जुड़े हुए थे लेटर ऑन कैलेस की एक्टिविटी होती है चारों अलग हो जाते हैं और चारों के ऊपर वॉल्य हो जाती है डिवीजन हो जाती है माइटोटिक और वो क्या बन जाता है पोलन ग्रेन ईच एंड एवरी माइक्रोस्पोर बिहेव एज मेल गैमिटोफाइट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है नोट ओल फोर ओनली वन ये वाले जो तीन है ना ये वाले जो तीन हैं टूवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड दीज डी क्या लिखेंगे हम आउट ऑफ फोर द थ्री विच आर प्रेजेंट टूवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड डीजेनरेट्स क्या होगा डीजेनरेट हो जाएंगे एंड द रिमेनिंग बिकेम फंक्शनल और ये सारा का सारा अब क्या बनाएगा ये बनाएगा फीमेल गैमिटो फाइट तो भाई ये वाले जो तीन है ना ये तीनों तो क्या हो जाएंगे डी जनरेट हो जाएंगे सिर्फ क्या रह गया ये वाला एक रह जाएगा जो क्या रह जाएगा फंक्शनल और इस अकेले से बनेगा अब फीमेल गेमीटोफाइट वहाँ पे क्या हो रहा था जितने के जितने चार माइक्रोस्पोर से सारे के सारे मेल गेमीटोफ बना रहे थे लेकिन यहाँ पे जो फोर मेगास्पोर बने हैं ना इनमें से थ्री कौन से थ्री टूवर्ड दी माइक्रो पाइलर एंड ये चीजें याद रखने वाली हैं तभी मैं इनको लिख रही हूँ थ्योरी में कि जब आप कभी भी ये स्लाइड्स पढ़ेंगे या अपने नोट्स पढ़ेंगे एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए ये नहीं पता होना चाहिए डी क्या डी कौन से वाले डी तो इन चीजों को बड़े एम्फेसिस के साथ आपको याद रखना है तो ये एक सेल था इस एक सेल की मियोसिस से क्या बन गए यहाँ पे फोर सेल बन गए है ना दिस इज वन सेल टू सेल थ्री सेल एंड दिस इज फोर सेल ये सेल का माइक्रोपाइलर एंड ये चलाजा एंड ये माइक्रो पायलर एंड ये चलाजा एंड तो जितने ये तीन माइक्रो पाइलर एंड वाले थे दीज थ्री डी जनरेट एंड दिस रिमेनिंग वन एक्ट एज दी फंक्शनल मेगा स्पोर ठीक है एंड विद आर मेगा स्पोरोजेनेसिस इज कम्प्लीट तो स्टेप्स भूलेंगे तो नहीं याद रखेंगे बाकी अब हम डिवेलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट दैट वी विल टेक अप इन दी नेक्स्ट लेक्चर